इंदौर के कलेक्टर कार्यालय के सामने सोमवार दोपहर को हिंदू जागरण मंच ने प्रदर्शन किया। मंच के लोगों ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं को लेकर वर्ग विशेष के खिलाफ कार्यवाही की मांग की और ज्ञापन दिया। हिंदू जागरण मंच के संयोजक धीरज यादव ने बताया कि प्रदेश में दलित समाज पर विशेष वर्ग के समाज द्वारा हो रहे अत्याचार और हत्या रोकने के लिए हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत का सोमवार को विरोध प्रदर्शन कलेक्टर कार्यालय के सामने हुआ, जहां संबंधित अधिकारी को ज्ञापन भी दिया। यादव के मुताबिक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा प्रदेश में लव जिहाद रूपी षड्यंत्र किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि चाहे धन प्रसाद अहिरवार की निर्मम हत्या हो या लटेरी विदिशा में बीते दिन दलित समाज सेवी संतराम धोलपुरिया वाल्मीकि का ट्रैक्टर से कुचलकर निर्मम हत्या किया जाना हो, यह एक गंभीर और चिंताजनक विषय है। विशेष वर्ग के लोगों द्वारा हिंदू समाज पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके विरोध में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है आपको क्या करना इन लोगों का? हिंदू जागरण मंच के मालवा प्रांत की ओर से आज एक ज्ञापन दिया गया है। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से संबोधित है। तो जैसा कि ज्ञापन प्राप्त करने की परंपरा रहती है, मेरे द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया है और उनका ज्ञापन आगामी कार्रवाई हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय हेतु भेजा जाएगा। सर, क्या मांग की गई उनके द्वारा? इसमें अन्य जिलों की घटनाएँ का उल्लेख करते हुए ये कहा गया कि इस प्रकार की घटनाएँ हमारे ज़िले में और पूरे प्रदेश में नहीं होना चाहिए। प्रदेश स्तर का मामला है, तो जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया आगामी कार्रवाई के लिए हम उसको प्रेषित करेंगे। हमारी मांग रही कि जो अभी विदिशा जिले में संतराम वाल्मीकि जी की हत्या हुई है और कल रात की एक घटना और है, मुनसावा गांव विदिशा जिले में ही आता है, वहाँ पर विधर्मियों ने हमारे विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री श्री खगेन जी भार्गव पर प्राणघातक हमला किया। ये सुनियोजित तरीके से हमले करते हैं, जय भीम के नारे से ये बरगलाते दलित समाज को, फिर वहाँ की बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर उनका शारीरिक शोषण करते हैं। इसी मांग को लेकर हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। जमीनों पर कब्जे को लेके वो संतराम जी ने जमीनों पर कब्जे ले की कार्रवाई मुस्लिम भूमाफियाओं द्वारा लगातार चली आ रही थी, उसका वो विरोध कर रहे थे, शिकायतें भी की उन्होंने और शिकायतों के बाद में उनकी हत्या कर दी गई। आज क्या आश्वासन मिला ज्ञापन की दिया था? हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि एक भू संरक्षण अधिनियम कानून भी लागू करें और उन जो संतराम वाल्मीकि जी के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। क्या कारण है कि आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्या बीजेपी सरकार सुन नहीं रही है? इस मामले में ध्यान नहीं दे रही है बीजेपी सरकार? नहीं, सरकार सरकार की जगह है और हम हमारा संगठन संगठन की जगह काम करता है। आगे आपने चरणबद्ध आंदोलन की भी बात करी है कि अगर मांग नहीं माने किस तरीके के आंदोलन करेंगे आप? अब वो तो जब आंदोलन करेंगे तो बताएंगे। वैसे नहीं, आपने लिखा ज्ञापन में कि अब भाई मांग नहीं माने आंदोलन तो धरना प्रदर्शन आंदोलन चक्का जाम सब होगा, फिर सब होगा, वो तो फिर वो जो करना पड़ा सब करेंगे उसके लिए। यानी कि शासन प्रशासन का पुरजोर विरोध होगा? हाँ होगा। आपकी मांग नहीं मानी गई? धीरज यादव, हिंदू जागरण मंच, इंदौर विभाग संयोजक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।